हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैजिकल हैंड। मैं हूँ रीना पटेल और आज हम सेविंग मशीन के रस्ट कवर का वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसमें आगे पॉकेट बनाए हैं जिसमें हमारा स्टिचिंग का सामान भी इजीली रह जाएगा और हमारे मशीन को डस्ट भी नहीं लगेगी। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने ये बनाने के लिए सिंपल कॉटन का फैब्रिक लिया है जिसमें मैंने पहले से ही क्विल्ट बना दिए हैं नॉन वूवन और फोम डाल के। अब इसका नाप कैसे लेना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने नीचे के लिए यहाँ पे 17 इंचेस का नाप लिया है, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक ये हमारा विल आएगा उसके नाप से यहाँ तक हमें ले लेना है। तो ये मैंने 17 इंचेस लिया है और यहाँ से मैंने 8 इंचेस लिया है, ये इतना हमें आना चाहिए। और यहाँ से मैंने वेंथ लिया है इसका 11 इंचेस, ये देखिए यहाँ तक 11 इंचेस। तो इस तरह से हमें नाप लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। तो हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है 17x11 इंचेस के ऐसे दो पार्ट्स, ये ऐसे 17 इंचेस से ये 11 इंचेस से ये दो पार्ट्स, और हमें 11x8 इंचेस के ऐसे दो पार्ट्स लेना है। एक पार्ट हमें चाहिए 17x8 इंचेस का और एक पार्ट चाहिए हमें 17x6 इंचेस का। 1.5 मीटर मैंने ऐसी स्ट्रेट पट्टी कट कर ली है और इसके अंदर जो कलर है उस तरह का कॉन्ट्रास्ट कलर में एक पट्टी मैंने 17 इंचेस की इस तरह से ले ली है। तो बस ये हमारा कटिंग रेडी है, अब हम स्टिच करना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम 17x6 इंचेस का ये पार्ट्स लेंगे और ये हमारी जो फैब्रिक की पट्टी हमने सिंपल ली है वो लेना है और इसे हमें यहाँ पे ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये मैंने यहाँ से स्टिच कर दी है, ऊपर यहाँ से उस साइड से की है। अब इसे हम ऐसे सीधे करके ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे ऊपर हमें स्टिच करना है। ये हमने यहाँ पे ऊपर पाइपिंग कर दी है, ये हमारा रेडी है। अब हम 17x11 इंचेस का ये पार्ट्स लेंगे और उसके ऊपर हमें ये हमारा पार्ट्स रखना है इस तरह से, और यहाँ पे हम राउंड में स्टिच कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राउंड में स्टिच कर दी है, अब हमें यहाँ पे 5 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे। फिर से एक बार 5 इंचेस पे मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्क करना है। अब हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये मैंने मार्क कर दिया है, अब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे भी स्टिच कर देंगे। ये हमने यहाँ पे स्टिच कर दिए, ये हमारे पॉकेट इस तरह से रेडी हो गए। अब हमें 17x8 इंचेस का पार्ट्स लेना है और इसे हम इसके ऊपर यहाँ पे उल्टा रखेंगे और यहाँ से स्टिच कर देंगे। ये हमने यहाँ पे स्टिच कर दी है, अब इसे हम खोल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें कि 17x11 इंचेस का हमारा सेकंड पार्ट्स रखना है इस तरह से। अब यहाँ पे भी हम स्टिच कर देंगे, ये यहाँ पे भी हमने स्टिच कर ली है। अब यहाँ पे हमें इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे, प्रेस स्टिच करेंगे। ये हमने यहाँ पे प्रेस स्टिच दोनों जगह पे कर ली है। अब हमें ये 11x8 इंचेस का पार्ट्स लेना है और उसे हम यहाँ से फोल्ड करें, यहाँ पे मार्क कर देंगे। और इसे फोल्ड करके हम यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पे सेकंड साइड पे मार्क कर लेना है। अब
अब इसे ऐसे सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हमें ये पार्ट्स रखना है। ये जो हमने मार्क किया है, ये दोनों मार्क को हमें मिलाना है और यहाँ से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट्स हमारा यहाँ पे अटैच हो गया है। इसी तरह से हमें ये सेकंड साइड भी अटैच कर लेना है, हमारा सेकंड पार्ट्स। ये अब हमारा इस तरह से रेडी है। अभी से हम सीधा कर देंगे। ये हमारा सीधा हो गया है। अब इसे हमें यहाँ पे पाइपिंग अटैच करना है नीचे की साइड। तो ये पाइपिंग लेंगे हम, इसे अब यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा। और यहाँ से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। ये हमने पूरे राउंड में ये पट्टी अटैच कर दी है। अब इसे हम इस तरह से सीधा कर देंगे बाहर की साइड और फिर हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके ऊपर स्टिच कर देंगे। यहाँ पे ऊपर हमें स्टिच करना है। पूरे राउंड में हमने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। अब ये हमारा पूरा रेडी है। अब मैंने बचे हुए कपड़े में से ये 9x3 इंच का ऐसा बेल्ट ले लिया है। अभी से हम यहाँ से फोल्ड कर दूंगी मैं, इस तरह से ये स्टिच कर दूंगी यहाँ पे ऊपर। ये मैंने पट्टी को फोल्ड कर दिया है। अब हमें हाथों से नीडल लेके ये 17x8 इंच का जो ऊपर का पार्ट है हमारा, वहाँ पे मिडल में मार्क करके हमें ये यहाँ पे बीच में अटैच कर देना है। हैंगर बनाएंगे हम इसका, तो ये हम मार्क करके इसे यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके हम रखेंगे इसके ऊपर और हाथों से नीडल से यहाँ पे स्टिच कर देंगे। या तो फिर सबसे पहले हम ये पार्ट्स अटैच करने से पहले ही ये हैंगर को यहाँ पे स्टिचिंग मशीन से ही यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, ये हमारा हैंगर रेडी हो गया है। तो दोस्तों, ये हमारा सेविंग मशीन का डस्ट कवर रेडी है। इसे आपको ये अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कुछ कैसा लगा ये कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।